नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि काठगोदाम उत्तराखंड से देहरादून उत्तराखंड के बीच में हफ्ते में चार दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसे लिंक एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसका ट्रेन नंबर है 14119। ये जो ट्रेन है काठगोदाम उत्तराखंड से हर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार को चलती है देहरादून के लिए, और काठगोदाम से देहरादून की जो दूरी है 8 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 40 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। कोचेस के बारे में बात करें तो ये जो ट्रेन है फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों के साथ चलती है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। आगे बात करते हैं इसके टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो काठगोदाम से देहरादून तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस का अगर फर्स्ट AC के टिकट किराए के बारे में बात करें तो काठगोदाम से देहरादून तक का किराया है 1405 रुपये, जिसमें 1278 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सॉरी 60 रुपये है, GST चार्ज 67 रुपये है। टोटल किराया 1405 रुपये बनता है काठगोदाम का फर्स्ट AC का किराया जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो काठगोदाम से देहरादून तक का किराया है वो है 845 रुपये, जिसमें 754 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 41 रुपये है। टोटल टिकट किराया 845 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो किराया है वो है 600 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 531 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 40 रुपये, GST चार्ज 29 रुपये। टोटल टिकट किराया 600 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे के टिकट काउंटर या वेबसाइट से जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 5 कोच हैं, जिसका टिकट किराया है 225 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 205 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये। टोटल टिकट किराया 225 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी जनरल डिब्बों की बात करें तो 2 जनरल डिब्बे हैं इस ट्रेन में, जिसका काठगोदाम से देहरादून तक का किराया लगभग 120 रुपये है। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये सब अपडेटेड और सही किराया है, पर सीट किराया बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं काठगोदाम से देहरादून तक चलने वाली काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन जो है हफ्ते में 4 दिन चलती है। हर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार को काठगोदाम से ये ट्रेन जो है शाम के 7:55 पर चलती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 8 घंटे 25 मिनट बाद सुबह 4:20 पर देहरादून में 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 335 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है हल्द्वानी उत्तराखंड। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 8:05 पर पहुँचती है और 8:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 6 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है HDW। इसके बाद ये ट्रेन जो है लालकुआं जंक्शन में रात के 8:45 पर पहुँचती है और 8:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 22 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है LKU। इसके बाद रुद्रपुर सिटी में ट्रेन जो है रात के 9:23 पर पहुंचती है और 9:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 44 किलोमीटर की दूरी जो है ये काठगोदाम से रुद्रपुर सिटी तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन बिलासपुर रोड में ये ट्रेन जो है रात के 9:43 पर पहुँचती है और 9:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 62 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BLKOR। इसके बाद ये ट्रेन जो है रामपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 10:38 पे पहुँचती है और 10:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अयोध्या एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 88 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर बेगमपुरा एक्सप्रेस इसे ओवरटेक करती है।
इसके बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है रात के 11:20 पे और 11:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1116 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MB। इसके बाद नजीबाबाद जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर रात के 12:55 पे पहुँचती है और 1:01 वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। चंडीगढ़ लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है, सॉरी हफ्ते में 4 दिन क्रॉसिंग होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है लक्सकर जंक्शन में पहुंचती है। लक्सर जंक्शन में रात के 1:50 पे पहुंचती है और 1:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 256 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे रात के 2:38 पे पहुंचती है और 2:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 283 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में 4:20 पे पहुँचती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है 335 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन काठगोदाम से देहरादून तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।